निर्णायकों के निर्णय के अनुसार जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो इस प्रकार है। राम लखन दास संकीर्तन मंत्री पिपरौन लौकही तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर है संत झा संगीत मंडली घनश्यामपुर दरभंगा, पहले नंबर पर है बजरंग जटी संकीर्तन मंडली सिमरी, प्रथम नंबर। ये हमारे निर्णायक मंडल के निर्णय के अनुसार आए हैं। पिपरौन का नंबर 275, दरभंगा का घनश्यामपुर दरभंगा का नंबर 277 और जटी का नंबर 288। इस मार्किंग के अनुसार यह निर्णय सुनाया जाता है। शुभ रात्रि, धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम यही स्थगित होता है। कल 1 बजे से प्राइज वितरण होगा, पुरस्कार समारोह होगा और कुछ लोग देखिए एक सांत्वना पुरस्कार है उसका भी घोषणा करते हैं। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं कल हम लोग के साथ 1 जनवरी का जश्न इसी पंडाल में मनाएंगे और महाप्रसाद होगा यहाँ, उसको पा के 4-5 बजे तक समाप्त हो गया। सांत्वना पुरस्कार के लिए बाबा अनंतनाथ संकीर्तन मंडली बरहा अंतिम का है 262। धन्यवाद। शुभ रात्रि, नव वर्ष आप सबों के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, भी मंडली है सबको कल पुरस्कार देंगे, जो वही देंगे सब 5-5। आप कुछ कुछ शुभकामना बोलिए। बोले से सीताराम महाराज की जय। नहीं हुआ जोर जोर में बोले से सीताराम महाराज की जय। काल मन बुआ चलेगा, तस्मय चलेगा, पाना पैदान के पचल सीताराम करो। बोले वीर बजरंग बली की जय। चलो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले भैया हम हाथ जोड़ते हैं अपने समिति की तरफ से सब मंडली को, हमारे जो भी मंडली आए हैं सब यहाँ भगवान का गुणगान करने के लिए आए थे। कोई यहाँ किसी से बाइक करने के लिए नहीं आए थे, राग द्वेष से लेकर नहीं आए थे, किसी को गाली गंदन देने के लिए नहीं आए थे, सब आए थे भगवान का गुणगान करने। इसीलिए हमारे मंच के सब भी नेता हम अपनी ओर से ये बात बोलते हैं कि हमारे इस मंच का सभी देता है। मैं सबों मंडली से आग्रह करता हूँ कि आप लोग जितने मंडली आ जाए सब मंडली कल रहेंगे और उनको भी सांसना पुरस्कार सबको दिया जाए, ठीक है। आज की बात रही कि थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर कोठी में पुरानी चावल भरा हुआ है और नया धान होता है तो लोग नवका चावल नवका चूरा खाए के सब चाहता है। सीताराम बाबा जी हम लोग चूरा देवे से भरते बोले श्री सीताराम महाराज जी। इसीलिए भैया कोई आदमी तकलीफ ना करोगे हमको छाट दिया, छाट देता तब तुमको कहते चले छाटे नहीं है। जो जो हम सबको आदर करते हैं कल तुम देखना जो भी कल भजन का प्रोग्राम चलेगा सब मंडली का भी प्रोग्राम होगा, सब मंडली गाँव के सबको सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा, सबको यहाँ प्रेम से भंडारा करवाया जाएगा। कल दंगल चलेगा, अनशन चलेगा और साथ साथ
ये मैं कहूंगा कि जो लोग एक बार बोले थे आज भी बोलते हैं कि सारे सभा सारे समिति सारी मंडली सारी रेलवे स्टाफ या जो भी हमारे सहयोगी हैं सबों को हम बधाई देते हैं नववर्ष की शुभकामना में कि भगवान हमारा जीवन खुशी से व्यतीत करें, उनके सारे परिवार की कल्याण हो, सब प्रसन्न चित्त से जीवन व्यतीत करें, सालों भर आनंद रहे, किसी की मन में कोई तरह की नाराग हो न द्वेष हो न कोई तरह की संकट हो न दुख हो, कुछ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप लोग कोई आज तकलीफ न करेंगे और जो भी मंडली आए हैं हम सबको ये देखना चाहते हैं कि अगर आपके प्रति आत्मा में लाड द्वेष न होगा तो कल सब मंडली अवस्थित रहेंगे। अगर भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान को पत्नी को सीता को रावण ने हर के ले गया है, भगवान सब जानते थे लेकिन अपने वचन अपने वरदान अपने कर्म को देखते हुए तब रावण का वध किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अगर भगवान का गुणगान करने के लिए आए हैं, भगवान का भजन किए हैं, भगवान का गुणानुवाद से कृतार्थ किए हैं, आनंद किए हैं, सब आदमी आके मंच का गरिमा को बढ़ाए हैं, हम जितना मंडली यहाँ आए हैं 27 से 31 तक हम सबों का आभारी हैं। हम सारे समिति के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, हम सबका आभारी है, आप लोगों का आभारी है, आप लोगों का क्या मंडली चाहिए वो मैं दे नहीं सकता। हो सकता है थोड़ी सी कहीं आवाज में कमी होगी, कहीं ताल में कमी होगी, इसी के चलते हमने निर्णायक लोगों से प्रोग्राम करवाया है ताकि मंडली लोग जाने कि निर्णायक सीधे निर्णायक है या निर्णायक गाना बजाना जानता है या नहीं जानता है। इसी से कहीं ताल में सुर में आवाज में बाजा में या शब्द में कहीं कमी होगी। हम एक जगह प्रोग्राम हुआ था प्रतियोगिता, हम अभी भी मंडली सबको बोले हैं, उसमें हम निर्णायक थे और उसमें कहा भजन है तो आप लोग जानते होंगे पार्वती के कोना में गणपति कोना क्या चाहिए और कोना को केना कह दिया उसको नंबर काट लिया गया। प्रतियोगिता का अर्थ होता है परीक्षा। आज आ पाए हैं, देखिए ये मंडली क्या गाया है, किस पर प्रथम ले लिए, हम भी प्रयास करें। विद्यार्थी जो परीक्षा में जाता है पढ़ने के लिए जाता है तो तेज कौन होता है, एसटीओ में होता है, बीएससी सब सबों नहीं बन जाता है। रामायण में लिखा उत्तरकांड में कि अति से घर घर करे जो कोई तो अनल प्रकट चंदन ते हुई, चंदन की लकड़ी शीतल होता है लेकिन उसमें भी लकड़ी पर लकड़ी लग रहेगा तो आग लग जाता है। इसीलिए भैया हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग कोई आदमी किसी तरह की राह का व्यस्त न करो, तकलीफ न करो, चूंकि हमारे रामलीला जी हैं या देवधा मंडली हैं जो भी हैं आप लोग विजेता बन चुके हैं, तो मंच का विजेता जो एक बार हो गया वो सदा के लिए विजेता है। जैसे अब हमारे रामलीला जी सामने में है, रामलीला जी विजेता दो बार तीन बार हो चुके थे, हमने वाचावरण रामलीला जी को कहा रामलीला जी आपके आगे में सारी मंडली तुच्छ है, अगर स्वर आवाज और गायन के हिसाब से अगर प्राइज दिया जाए आप सब बार फर्स्ट करेंगे कि मंच की प्रोग्राम खत्म हो जाए और मंडली नहीं जाएगा। तो हम बात जबरदस्ती रामविलास को उसको समिति में ले लिया और समिति में लेने के बाद उसको निर्णायक पद पर। इसीलिए आप जितने मंडली हैं सब हमारे कमेटी का सदस्य हैं, हम देवधा मंडली को भी आगे सर बोले थे, अगर होगा तो हमारी आवाज को सुनता होगा आगे सर, हम कहे थे आप लोग हम जो विजेता हो चुके हैं वे हमारे समिति का सदस्य हैं, आप हमारा काम है आप आगे प्रोग्राम दिया ठीक है, हमारा कमेटी स्वर से जाते हैं कि नहीं, ये अध्यक्ष हमारे हैं समिति का, हम ओनी लोग तो पकड़ा है सीताराम से ओनी लोग अध्यक्ष है कोई बात नहीं, ये अध्यक्ष हमारे यहाँ आते हैं कि नहीं, आप भी हमारे समिति के सदस्य, आपको भी गाने का अधिकार है, सबों को बजाने का अधिकार है, लेकिन आपका प्रयास चाहिए कि और अच्छे अच्छे मंडली हो उनको हम लाने और अपनी मंच की गरिमा को बढ़ावा, ये दायित्व आपका ऊपर पड़ता है। इसीलिए
आप लोग कोई तरह की तकलीफ ना करेंगे, क्योंकि आप समिति का सदस्य हैं और आप लोग ये न समझेंगे हम विजेता तब हो चुके हैं, एक बार प्राइज मिला अब विजेता होगा। इसीलिए आप लोग को यानी किसी बात का तकलीफ न करेंगे और नववर्ष की शुभकामना है, भगवान मंगल में रखे, आप लोगों की कोई तरह की तकलीफ ना हो। सीताराम इसके बाद आप आगे क्या बोलेंगे जैसे याद करो, लेकिन यही बात बार बार मन में नहीं करता हूँ। ध्यान मग्न एक बार मन से सबको आशीर्वाद दे दीजिए बाबा। बोले बोल के, हाँ बोल के सबको आशीर्वाद दे दीजिए, सब खुशी रहे, जितना है सबको भगवान बाल बच्चे को कल्याण करे, सबको सारी सुखमय जीवन, नया साल की शुभकामना में करते, नया साल अच्छा से बीतेगा सबका, अच्छा को सब सबको अच्छा से बीते, सारे परिवार की शुभकामना, सारे समाज की शुभकामना, सबकी मंगलमय हो।